तो दोस्तों जो अभी समय काट रहे हो आप, शायद उसमें कुछ कारण ये भी हो सकते हैं, कुछ चीज़ें ये भी हो सकती हैं। अगर आप चाहो तो इनको छोड़ सकते हो और अपना शायद उसमें इंक्लूडेड ये कुछ काम हो जो कि मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा टाइम है। आप चाहो तो इतने में बहुत कुछ कर सकते हो। प्रॉब्लम्स है, आई नो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये हम लोगों के लिए जो इंडिया फेस कर रहा है, लेकिन ये जो फालतू की चीज़ें हैं वो सब आप चाहो तो छोड़ सकते हो। तो जानते हैं वन बाई वन कौन सी हैं। कुछ तीन चार चीज़ें हैं जो मैंने निकाली हुई हैं, शायद आपको वो अच्छी लगें। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला है व्हाट्सएप की डीपी बदलना, यानी कि सुबह शाम दोपहर जब मन किया व्हाट्सएप की डीपी बदलना। और उसमें भी एक सबसे बड़ा काम कि सुबह मन मारकर सबको गुड मॉर्निंग गुड नाइट, जब भी सुबह शाम इवनिंग तो जब भी है उनको मैसेज भेजना गुड मॉर्निंग गुड नाइट, तो वो सारी चीज़ें, ये भी एक समय की बर्बादी है सोचो। एंड दोस्तों जो सबसे बड़ा फैक्ट, जिसकी गर्लफ्रेंड या जिसका बॉयफ्रेंड छोड़ के गया है उनको खोजना, उनको सर्च करना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, नए नए डेटिंग एप्लीकेशन पे, इन सब पे खोजना सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है। यू नो वो लगता है ना कि यार वो मुझे छोड़ के चली गई, पता नहीं क्या वो मुझे कहाँ मिलेगी। तो हम लोग लग जाते हैं टोटल जितनी भी सोशल मीडिया हैं, अपने दोस्तों को यारों को फ्रेंड कर रहे हैं, यानी कि फैमिली सर्कल में भी फ़ोन घुमा दिए कि उसको उसका बस किसी भी तरीके पता चल जाए। और जबकि ये नहीं पता है कि अगर कल को मिल भी जाएगी इंस्टाग्राम फेसबुक पर, तो क्या पता वो बात करेगी तुमसे, क्या पता वो मान जाएगी, या क्या पता वो बात करेगा, या क्या पता वो बात नहीं करेगा। तो इस तरीके का एक टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है, तो ये सब ना करें। दोस्तों थोड़ा सा डिजिटली यूट्यूब पे लोग वीडियोस ना देख के सारे कमेंट पढ़ना, यानी कि जो ज्ञान की बातें हैं या जो वीडियोज अच्छे हैं, जो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये वीडियो वो वीडियो, लेकिन जो वीडियोस हैं उनको ना देख के उनके नीचे जाके सारे कमेंट पढ़ना वन बाय वन, उसमें रिप्लाई देना, किसी को नहीं देना, किसी को किसी ने कुछ लिखा उसमें आप लिख रहे हो कि नहीं ऐसा तो वो नहीं करता, नहीं बहुत अच्छा बनाया, तो मतलब कहने का कि वीडियोज से कुछ सीखना नहीं लेकिन जाके सारे कमेंट्स पढ़ना, ये भी एक वेस्ट ऑफ टाइम है। एंड दोस्तों जो सबसे बड़ा फैक्ट, अलग अलग तरीके के डेटिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना और उनको डिलीट करना, यानी कि जब वहाँ पे हम लोग डाउनलोड इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि उसमें यार पैसे मांग रहा है वो, अब इसको हटाओ दूसरा देखेंगे, क्योंकि इतने लोग एडवर्टीजमेंट पे आ गए हैं। आप टिकटॉक चलाओ, फेसबुक चलाओ, यूट्यूब चलाओ, मतलब किसी भी सोशल मीडिया पे आप ले लो, वहाँ पे कहीं ना कहीं एप्लीकेशन इस तरीके के 100% मिल जाते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं, आपके बॉयफ्रेंड नहीं है, यहाँ से बनाओ 16 18, मतलब इस तरीके का बहुत सारा। तो पता चले करना क्या है, डेटा वैसे भी जियो ने इतना सारा रखा है, बस क्लिक किया, डाउनलोड किया, चेक करते गए, वहां पता चला कि नहीं यार वो पैसे ले रहा है, इसको रिमूव किया, फिर कहीं स्लाइड कर रहे हैं, फिर कोई एप्लीकेशन नया मिल गया, फिर वहां पे उसको इंस्टॉल कर लिया। तो ये एक सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इन सब चीजों को आई थिंक छोड़ना चाहिए। अपनी लाइफ बहुत बड़ी है और लाइफ में बहुत कुछ करना भी है, बस एक बार एक अच्छी जॉब हो गई, अच्छा पैसा हो गया, अच्छा बिजनेस हो गया, या कुछ भी एक मतलब टारगेट हो गया, एक सक्सेसफुल इंसान अगर बन गया तो ये सारी चीजें आपको वैसे भी मिल जाएंगी, बिल्कुल एकदम 100% मिल जाएंगी। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप 30,000 35,000 की भी जॉब करने पर लगो तो अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस, एक नया एटीट्यूड आ जाता है। एटीट्यूड मेरे कहने का मतलब यहाँ एटीट्यूड कि पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि नेगेटिव कि पता चला अपने यार दोस्तों को भूल गए, अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं समझ रहे हो, तो एक अलग खुशी मिलती है, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और रही बात लड़कियों की या लड़कों की, जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आज की दुनिया में पैसा है तो बहुत चीज़ें हैं और सब कुछ आसानी से मिल जाती हैं। जो लोग पहले होता था ना, अभी भी कई लोग ये सोचते हैं कि यार प्यार को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन सच तो यही है कि जिसके पास पैसा उसी के पास प्यार ही आता। तो कुछ इस तरीके की बातें हैं। जैसे मैं कोई इतना बड़ा मोटिवेशनल नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है, जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ। अगर किसी को मेरी बातें हार्ट लग रही हो या अगर किसी के दिल को ठेस पहुँचा रही हो तो उसके पहले आई एम सॉरी, लेकिन ये रियलिटी है, ये सच्चाई है लाइफ की। यार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा, वहाँ पे क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत एंड बी सेफ।